जय जय श्रीराम, जय जय हनुमानच्या नामाचा गजर करीत मंगळवारी सायंकाळी 5:30 हनुमान जन्मोत्सवानिमित्त शहरातील प्राचीन राजाबक्षा हनुमान मंदिरातून भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली. या मिरवणुकीमध्ये सुमारे 60 चित्ररथांचा समावेश होता. या प्रसंगी सायंकाळी 5:30 मंदिराच्या गाभाऱ्यात पाहुण्यांच्या हस्ते हनुमानाची पूजा करण्यात आली. जयंती उत्सवाच्या पूर्वसंध्येला रात्रभर हनुमान चालीसाचे पठणानंतर 23 रोजी पहाटे 6 दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी उसळली होती. सायंकाळी 6 राजाबक्षा हनुमान मंदिर परिसरातून शोभायात्रा जय श्रीराम जय हनुमानच्या गल्लीत निघाली. या यात्रेमध्ये प्रामुख्याने सूत्रकोटांचे माजी मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे, मुंबई हायकोर्टचे न्यायाधीश नितीन सांबरे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, पोलीस कमिशनर डॉ रवींद्र सिंगल, संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू हरेराम त्रिपाठी उपस्थित होते. ही मिरवणूक राजाबक्षा रामबाग, व्हीआर मॉल, उंटखाना, चंदननगर, मेडिकल चौक, रेशीमबाग, स्मृतीभवन, नंदनवन, मेन रोड, छोटा ताजबाग, अयोध्यानगर, मानेवाडा रोड, तुकडोजी चौक, टी व्ही वार्ड होताना मंदिर परिसरात पोहोचले. ये बहुत शुभ अवसर है, बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है और हमारी ओर से सबको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं. भगवान श्री हनुमान जी की यह जो शोभा यात्रा है अपने आप में बहुत अनूठी है, अनोखी है, उत्तम है, उत्तम है. मैं यह बताना चाहता हूँ कि समय के अनुसार यह निरंतर सबको शुभेच्छा देना चाहूँगा और आज हनुमान जयंती है. पुलिस जो है अपने बंदोबस्त में है और कई VVIP यहाँ पे आए, VIPs आए हुए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हाजिर हैं. तो सभी को आपके जरिए मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहता हूँ. खाना चंदन नगर चौक पर जो हर साल हम लोग इस जन्माष्टमी का बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं हनुमान जयंती का. इस उत्सव में जब बुरो अग्निहोत्री रजत ढोले जी और बाकी पूरे गैंग मिल गए, प्रकाश बोयर जी, उमाकांत अग्निहोत्री, बाकी सब मिल गए. ये बहुत बड़ा उत्सव होता है और ये पिछले कई सालों से यहाँ पे मनाया जाता है. एक बार तो उत्सव अभी जो शोभा यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा होने के बाद उसका स्वागत किया जाता है, आरती होती है और उसके बाद महाप्रसाद का प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से होता है.